आपको बताएं कि पीटीआई वाले एनआरओ मांग रहे हैं, बानी पीटीआई जेल से मुज़ाकरात के पैगामात भेज रहे हैं। वज़ीरे दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में सारे ख्याल, कहा कि जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हमें ताना दिया गया कि हम एनआरओ लेते हैं। रऊफ हसन इस वक्त एनआरओ के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं। पीटीआई वाले सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। बानी पीटीआई जेल से रोजाना कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें। महमूद अचकज़ई से सवाल पूछता हूं, क्या एस्टैब्लिशमेंट से वो मुज़ाकरात करेंगे? महमूद अचकज़ई का क्या मौकफ होगा? मैं उनकी राय लेना चाहता हूं। ये लोग पहले घर में तय कर लें मुज़ाकरात इन्होंने किससे करने हैं। हमारा इनके साथ कोई तनाजा नहीं, ये जिससे मुज़ाकरात चाहते हैं कर लें। वो तरले और मिन्नतें कर रहे हैं, हाथ जोड़े हैं कि एनआरओ दे दो। कल भी उनका बयान आया हुआ था, रोजाना जो है बानी पीटीआई अंदर से कह रहा है कि फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। जो पार्टी जो है सियासी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात करना नहीं चाहती, वो मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाहते हैं। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा। ये एक नया निज़ाम है, एक नई क़यादत है। जिनको आवाज़ें मार रहे हैं उनके साथ मुज़ाकरात अगर करते हैं तो कर लें। लेकिन मैं बार बार जो है नाम लेते हैं कि जी क्योंकि हमारा जो इत्तेहाद है उसके हेड जो हैं वो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, तो वो मुज़ाकरात करेंगे। पहले ये अपने घर में ये फैसला कर लेंगे मुज़ाकरात करने किससे हैं।